सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे मोमोज की चटनी की रेसिपी, चलिए शुरू करते हैं। हम उसके लिए 3 टमाटर लिए, 20 से 25 लाल मिर्ची लिए है, मिर्ची के डंठल हटा दिए हमने। आप इसको टमाटर को 1-4 पीस कर लीजिए और बॉईल करने के लिए चढ़ा दीजिए। 10 से 15 मिनट धीमी आंच में बॉईल कीजिए ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। सॉफ्ट होने के बाद इसको छान लीजिए। 5 से 7 मिनट इसको ठंडा कीजिए। ठंडा होने के बाद इसको स्किन हटा दीजिए। अब इसका महीन सा पेस्ट बना लिए, ज़्यादा बारीक भी नहीं करना है। ध्यान रखें इसकी बीज नहीं पीसना चाहिए। 1 टेबलस्पून पैन में ऑयल ऐड कीजिए। एक टेबलस्पून गार्लिक चॉप ऐड कीजिए। आधा टीस्पून जिंजर पेस्ट ऐड कीजिए। मैंने कटी हुई डाला है, अगर आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। टेस्ट को बैलेंस करने के लिए हम चीनी को ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर रहे हैं। आधा टीस्पून विनेगर ऐड कर रहे हैं। अगर ना हो तो लेमन जूस भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप देसी टमाटर है तो आप कम यूज करें, क्योंकि ये ऑलरेडी खट्टे होते हैं। आपके पास टिमूर अवेलेबल है तो टिमूर का भी यूज करें, टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अच्छे से धीमी आंच में 10 से 15 मिनट कुक कीजिए, फ्लेम लो कीजिए। अगर ज़्यादा गाढ़ा हो तो इसमें पानी ऐड कीजिए। आप इसमें टेस्टिंग पाउडर भी थोड़ा सा यूज कर सकते हैं। हमारा चटनी रेडी हो चुका है, आप मोमो के साथ एंजॉय कर सकते हैं, स्प्रिंग रोल के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं, ये आप पराठे के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं, डेली यूज में भी ले सकते हैं। ये देखिए कितना शानदार बना है। अगर मेरी चैनल में नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे आपके लिए क्या बनाना है कमेंट करें।